हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी पीसीएस फोरम। आज हम सोशल रिलीजियस मूवमेंट को देखेंगे। इसके पहले हमने डेवलपमेंट ऑफ प्रेस इन इंडिया देखा था, तो इसके फर्स्ट क्वेश्चन नंबर से स्टार्ट करते हैं। इसके पहले मैं आपको बोलूँगा, प्लीज फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर शेयर एंड सब्सक्राइब करें, एंड कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से। विच कैटेगरी ऑफ पॉपुलेशन वेयर प्राइमरली अट्रैक्टेड बाई रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट ऑफ द 19th सेंचुरी, तो वो कौन सी कैटेगरी थी? तो वो हमें बताए इंटेलेक्चुअल थी, उसके बाद अर्बन अपर कास्ट से एंड लिबरल प्रिंसेस से। तो ये तीनों ही हैं जो प्राइमरीली अट्रैक्टेड हुए थे किस रिलीजियस रिफॉर्म जो 19th सेंचुरी का हुआ था। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो करेक्ट होगा। देखते हैं एक्सप्लेनेशन का। 19th सेंचुरी रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट हैज ए स्पेशल प्लेस इन मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। द मूवमेंट मोस्टली अफेक्टेड द इंटेलेक्चुअल्स, मिडिल क्लास पीपल, पुअर ऑर्डिनरी क्लास वर ऑलमोस्ट आउट ऑफ दिस मूवमेंट्स। Intellectuals, urban classes and liberal princes were the most affected by this movement. Next देखते हैं, ये assertion और reason based question है। Social religious movement of 19th century resulted in modernization of India. Rationalism, scientific temper and other such ideas which are the basis of modernization were at the core of the socio religious movement. तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वो सही है। तो ये तो हमें पता है कि socio religious जो movement था 19th century का, वो मॉडर्नाइजेशन इंडिया में लाया था। उसके इसका बेसिक इसका ये किस चीज़ पे बेस्ड था? तो ये रेशनलिज्म पे बेस्ड था, साइंटिफिक टेंपर पे बेस्ड था और अदर ऐसे ही आइडियाज़ पे बेस्ड था जो मॉडर्नाइजेशन को प्रमोट करें। तो दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, ऑप्शन नंबर वन और ऑप्शन नंबर जो टू, एसर्शन और रीज़न दोनों ही करेक्ट है। और रीज़न ना करेक्ट एक्सप्लेनेशन करता है किसका, एसर्शन का, इसलिए ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो करेक्ट होगा। देखते हैं, इन द 19th सेंचुरी ऑल सोशल रिलीजियस रिफॉर्म वेदर बाई हिंदू, मुस्लिम, सिख और पारसीज एम्ड एट स्प्रेड ऑफ मॉडर्न एजुकेशन, फाइट अगेंस्ट सोशल इविल प्रैक्टिसेस एंड यूज द टूल ऑफ मॉडर्न एजुकेशन टू अवेकन एंड लेड टू द मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडिया। द रिफॉर्मर्स वॉन्टेड सोसाइटी टू एक्सेप्ट द रेशनल एंड साइंटिफिक अप्रोच। रिफॉर्मर ने कैसे कैसे सोसाइटी को एक्सेप्ट किया था? रेशनल और साइंटिफिक अप्रोच को। द लेड स्ट्रेस ऑन रेशनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल एंड रिलीजियस आइडियाज एंड इनकरेज साइंटिफिक ह्यूमैनिटेरियन आउटलुक टू अचीव देयर गोल। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास हैज बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय वेस्टर्न सिविलाइजेशन फर्स्टली। तो वो कौन सा क्लास था? तो हमें पता है वो क्लास था एजुकेटेड हिंदू मिडिल क्लास, और यही क्लास था जिसने 1857 के रिवोल्ट में पार्ट नहीं लिया था क्योंकि उनको लग रहा था कि ब्रिटिशर्स इंडिया का उद्धार करेंगे। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो करेक्ट होगा। Educated Hindu middle class was primarily affected by Western culture. The new Western educated class was highly affected by rationalism, scientism, humanism. Reformers of in Indian society and religion sought to improve the society and Hindu religion inspired by enlightenment and denied superstition, pilgrimage and idolatry. Although at the certain extent ये सही भी था कि वो जो एक तरह से scientism को हमने बढ़ावा दिया, रेशनलिज्म को बढ़ावा दिया, ह्यूमनिज्म को बढ़ावा दिया और सुपरस्टिशन जो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रचलित थी जैसे कि सती सिस्टम, इन सब को खत्म किया गया। ठीक है, देखते हैं उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ नंबर क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग ग्रेट मैन इज कॉल्ड एज फादर ऑफ इंडियन रेनेसा। तो फादर ऑफ इंडियन रेनेसा के नाम से किन को जाना जाता है? तो हमें पता है वो है राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो करेक्ट होगा। राजा राम मोहन राय वॉज द फर्स्ट इंडियन हु स्टार्टेड अ मूवमेंट अगेंस्ट प्रिवेलिंग इविल्स इन द इंडियन सोसाइटी। तो वो पहले थे जिन्होंने आवाज़ उठाई प्रिवेलिंग इविल्स के अगेंस्ट जो कि सोसाइटी में प्रेजेंट थी, और इसके लिए उन्होंने इनोवेटिव आइडियाज लेकर आए। द 19th सेंचुरी ऑफ आइडिया सॉ द इमरजेंस ऑफ रेनेसा, और 19th सेंचुरी जो था वो रेनेसा देखा था इंडिया में। राजा राम मोहन राय वॉज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ इंडियन रेनेसा, पैगंबर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, ब्रिज बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, फर्स्ट मॉडर्न मैन एंड योगदूत। इनको कई सारे नामों से जाना जाता है जैसे पैगंबर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, ब्रिज बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, फर्स्ट मॉडर्न मैन एंड योगदूत। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन रेनेसा। तो किसको कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन रेनेसा? तो वो है राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो करेक्ट होगा। सिक्स नंबर क्वेश्चन, हु इज फादर ऑफ इंडियन रेनेसा, हमने अभी जस्ट देखा वो राजा राम मोहन राय। सेवेंथ नंबर क्वेश्चन थे, हु वॉज द लीडिंग एनवॉय ऑफ रेनेसा मूवमेंट इन इंडिया, और ये नन अदर देन राजा राम मोहन राय। हु इज कंसिडर्ड एज द प्रोफेट ऑफ नेशनलिज्म,
तो हमें पता है वो कौन है, वो है राजाराम मोहन राय। नेक्स्ट देखते हैं 9th नंबर, हु इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट मॉडर्न मैन, और ये भी सेम क्वेश्चन है। राजाराम मोहन राय द फर्स्ट सोसाइटी फाउंड बाई राजाराम मोहन राय, तो कौन सी सोसाइटी थी जो राजाराम मोहन राय के द्वारा पहली बार फाउंड की गई थी, तो वो है आत्मीय सभा। इसको 1815 में राजाराम मोहन राय के द्वारा फाउंड किया गया था, और इसका काम क्या था, मेनली टू प्रोपोगेट मोनोथेइस्टिक हिंदू रिलीजन। तो मोनोथेइज्म को में ये इनको बिलीव थी, किसको, राजाराम मोहन राय को। इट ट्राइड टू इनिशिएट सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स इन द सोसाइटी। राजाराम मोहन राय ऑल्सो फाउंडेड द ब्रह्म समाज, एन इम्पॉर्टेंट सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट इन बंगाल। राजाराम मोहन राय ने एक सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट बनाया चलाया जिसका नाम था ब्रह्म सभा, और इसका एस्टेब्लिशमेंट इन्होंने कब किया था, 1828 में, जो कि बाद में ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। तो पहले यह ब्रह्म सभा के नाम से स्टार्ट हुआ था 1828 में, और बाद में इसी को ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। देवेंद्रनाथ टैगोर ने फाउंड किया था तत्व बोधनी सभा को, वो कब फाउंड किए थे, 1839 में, और उनका क्या था, टू प्रोपोगेट द आइडियाज ऑफ राजा राम मोहन राय। तो उनका भी यही था कि जो राजा राम मोहन राय के आइडियाज थे, तो वो आइडियाज को प्रोपोगेट कर रहे थे अपने द्वारा फाउंड की गई एक संस्था के द्वारा जिसका नाम था तत्व बोधनी सभा। आत्मीय सभा वॉज द फर्स्ट सोसाइटी फाउंडेड बाई राजा राम मोहन राय। 11th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ आत्मीय सभा, तो हमें पता है राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज वॉज फाउंडेड इन द ईयर ऑफ, तो ब्रह्म सभा जो था उसका फाउंडेशन कब हुआ था, 1828 में हुआ था, और ब्रह्म समाज जो था उसका फॉर्मेशन, ब्रह्म सभा को बाद में ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन 1828 को नहीं बताता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर कोई भी सही नहीं होगा। और इस सोसाइटी का क्या काम था, डिनाइड आइडोलेट्री एंड प्रिस्ट यूनिवर्सल वर्शिप। इट वॉज ए कम्युनिटी ऑफ पीपल हु बिलीव्ड इन द यूनिटी ऑफ गॉड एंड लिव्ड अपार्ट फ्रॉम आइडोलेट्री। देर वॉज नो प्लेस फॉर सोशल कस्टम्स एंड रिचुअल इन न्यू रिलीजन। तो इसमें कोई भी सोशल कल्चर और रिचुअल्स को वैल्यू नहीं दिया गया। ब्रह्म सभा एम्फसाइज ह्यूमैनिटी विदाउट कंसिडरिंग द कलर एंड कैरेक्टर ऑफ द पीपल, और ये अभी के लिए भी बहुत जरूरी है इसको समझना। नेक्स्ट देखते हैं, राजाराम मोहन राय एस्टेब्लिश ब्रह्म समाज इन, तो 1828 में ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो करेक्ट होगा। 14th नंबर क्वेश्चन, ब्रह्म समाज वॉज फाउंडेड बाय, तो वह ब्रह्म समाज राजाराम मोहन राय के द्वारा 1828 में फाउंड किया गया था। द्वारिकानाथ टैगोर ने 1839 में किसको फाउंड किया था, 1839 में तत्व बोधनी सभा को फाउंड किया था, और इसका मेन काम क्या था, राजाराम के द्वारा जो भी उसका आइडियोलॉजी थी उसको प्रमोट करना, प्रोपोगेट करना। और हमने इसका देख लिया था कि ये मेनली मोनोथेइज्म को फॉलो करता था। महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर हैड द क्रेडिट टू प्रोसीड दिस एज ए थेइस्ट हु ज्वाइन द मूवमेंट इन 1843, और देवेंद्रनाथ टैगोर ने इस मूवमेंट को 1843 में ज्वाइन किया था, और अपॉइंटेड, और उन्होंने जो देवेंद्रनाथ टैगोर थे उन्होंने अपॉइंट किया था केशव चंद्र सेन को आचार्य ऑफ ब्रह्म समाज। तो केशव चंद्र जो सेन थे उन्होंने अपने मूवमेंट को पॉपुलर बनाया और इसके ब्रांच को इस्टेब्लिश किया उत्तर प्रदेश और मद्रास में, ठीक है। द फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज, ये हमें पता है राजाराम मोहन रॉय, ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो करेक्ट होगा। 16th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हु गिव द राजाराम मोहन द टाइटल ऑफ राजा, तो टाइटल ऑफ राजा का उपाधि किसको दिया गया, मतलब किसने दिया था राजाराम मोहन राय को, तो वो दिए थे अकबर, सेकेंड मुगल एम्परर। द टाइटल राजा वॉज अवॉर्डेड टू राजाराम मोहन राय बाय द देन मुगल एम्परर अकबर सेकेंड इन 1830, तो ध्यान में रखेंगे 1830 में इसको दिया गया था। राम मोहन राय ट्रेवल टू द यूनाइटेड किंगडम एज द एम्बेसडर ऑफ द मुगल्स एम्परर टू प्लीड फॉर हिज पेंशन एंड अलाउंस, तो मुगल एम्परर के पेंशन और अलाउंसेस के को प्लीड करने के लिए राजा राम मोहन राय को कहाँ चले गए थे, वो यूनाइटेड किंगडम गए थे, वो लंदन गए थे। राजा राम मोहन राय पास्ड अवे ऑन सितंबर 1833 एट स्टेपलेटन नियर ब्रिस्टल ड्यू टू मेनिनजाइटिस, तो मेनिनजाइटिस की वजह से उनकी देहांत हो जाती है, कहाँ पे, स्टेपलटन में, जो कि ब्रिस्टल में है, और कब होती है, 1833 में। 17th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हु एडॉर्न्ड द राजा राम मोहन राय विद द टाइटल ऑफ राजा, तो वह है अकबर सेकेंड, मुगल एम्परर अकबर सेकेंड है। 18th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, समाधि ऑफ राजा राम मोहन राय इज, समाधि कहाँ है, तो हमने भी जस्ट देखा उनकी देहांत हुई थी ब्रिस्टल में, तो समाधि भी हमें वहीं देखने को मिलती है, ब्रिस्टल इंग्लैंड में। कंसिडर द फॉलोइंग
कैलकटा यूनिटेरियन कमेटी, टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। केशव चंद्र सेन इज एसोसिएटेड विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ विच ऑफ द एबव। तो केशव चंद्र सेन इनमें से किससे रिलेटेड थे? तो केशव चंद्र जो थे वो रिलेटेड थे टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन एंड इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो करेक्ट होगा, क्योंकि कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी जो थी वो किसके द्वारा इस्टेब्लिश की गई थी? वो इस्टेब्लिश की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। और कौन थे? द्वारिकानाथ टैगोर, विलियम एडम, वाइल केशव चंद्र सेन लेड द फाउंडेशन नॉन ऑफ टेम्पल कॉल्ड टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन। तो टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन क्या था? वो एक टेम्पल था। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन वॉज फॉर्म्ड ऑन 29th ऑफ अक्टूबर 1870 विथ केशव चंद्र सेन एज इट्स प्रेसिडेंट। और इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन जिसके प्रेसिडेंट के रूप में जुड़े थे कौन? केशव चंद्र सेन। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन एंड इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन वॉज रिलेटेड विथ केशव चंद्र। नेक्स्ट देखते हैं द फाउंडर ऑफ भारतीय ब्रह्म समाज। तो भारतीय ब्रह्म समाज के फाउंडर कौन थे? तो भारतीय ब्रह्म समाज के जो फाउंडर थे, ध्यान में रखेंगे भारतीय ब्रह्म समाज का फाउंडर पूछ रहे, ब्रह्म समाज का फाउंडर नहीं। तो भारतीय ब्रह्म समाज जहाँ पे भी रहेगा तो उसके फाउंडर होंगे केशव चंद्र सेन। देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। फाउंडर ऑफ भारतीय ब्रह्म समाज वॉज केशव चंद्र सेन। द्वारिकानाथ स्ट्रिप्ड द टाइटल ऑफ आचार्य फ्रॉम केशव चंद्र इन 1860। तो टाइटल स्ट्रिप कर लिया था किससे? आचार्य का जो टाइटल दिया गया था केशव चंद्र को इन 1865 में। हेंस केशव चंद्र सेन केम आउट ऑफ ओरिजिनल ब्रह्मास्व एंड ग्रुप अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ देवेंद्रनाथ टैगोर कॉल्ड देमसेल्फ एज आदि ब्रह्मा समाज। तो केशव चंद्र इसकी वजह से क्या होते हैं? ओरिजिनल ब्रह्मा समाज से बाहर निकल जाते हैं और देवेंद्रनाथ टैगोर के इन्फ्लुएंस में आते हैं और उनको उससे फिर आदि ब्रह्मा समाज से जुड़ जाते हैं। तो ग्रुप अंडर द लीडरशिप ऑफ केशव चंद्र सेन वॉज कॉल्ड देम सेल्फ एज भारतीय ब्रह्मा समाज। और केशव चंद्र सेन के अंतर्गत जो ग्रुप होती है, सॉरी एक्चुअली यहाँ पे क्या है ना कि वो केशव चंद्र सेन जो थे वो आउट हो गए थे किससे? ओरिजिनल ब्रह्मा समाज से। और जो भी जो ग्रुप थी जो कि देवेंद्रनाथ टैगोर के इन्फ्लुएंस में थी, उसके जो वो जो ग्रुप कहलाया उसका नाम था आदि ब्रह्मा समाज। और जो केशव चंद्र सेन ने एक ग्रुप बनाया उसका नाम पड़ा भारतीय ब्रह्म समाज मीन्स और न्यू ब्रह्म समाज। और अगेन 1878 में नवीन ब्रह्म समाज वॉज फर्दर डिवाइडेड व्हेन केशव चंद्र सेन गॉट मैरिड हर 13 ईयर ओल्ड डॉटर विद अ किंग ऑफ कुच बिहार। तो उसके बाद ये जो भारतीय ब्रह्म समाज है जिसको न्यू ब्रह्म समाज भी कहते हैं वो फिर से डिवाइड हो गया 1878 में, जब जो केशव चंद्र हैं उन्होंने अपने 13 साल की बेटी की शादी कर देते हैं किंग ऑफ कुछ बिहार से। ठीक है, तो ये एक टाइप के चाइल्ड मैरिजेस थी। और इसके अपोज में आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री क्या फॉर्मेशन करते हैं? साधारण ब्रह्म समाज। तो ध्यान में रखेंगे साधारण ब्रह्म समाज से रिलेटेड कौन है? वो है आनंद मोहन बोस एंड शिवनाथ शास्त्री। जबकि देवेंद्रनाथ टैगोर किससे रिलेटेड है? आदि ब्रह्म समाज से। और न्यू ब्रह्म समाज जिसको भारतीय ब्रह्म समाज भी कहते हैं उनसे रिलेटेड रहे हैं कौन? केशव चंद्र सेन। और 20 अगस्त को हमने देखा था राजा राम मोहन राय ने रेंटेड अ हाउस फॉर फिरंगी कमल बोस वेयर ही फॉर्म्ड ब्रह्म समाज, जो कि बाद में पहले ब्रह्म सभा के रूप से ये फॉर्म हुआ, फिर बाद में इसी का नाम ब्रह्म समाज पड़ गया। ताराचंद चक्रवर्ती इसके पहले सेक्रेटरी थे। देवेंद्रनाथ टैगोर इसको ज्वाइन करते हैं दिस सोसाइटी को 1843 में। 1839 में इन्होंने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी और प्रोपोगेट कर रहे थे राजा राम मोहन राय के जो भी व्यूज थे, आइडियोलॉजी थे। केशव चंद्र सेन 1857 में इसको ज्वाइन करते और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की वजह से, देवेंद्रनाथ और केशव चंद्र में जो ओपिनियन का डिफरेंस था उसकी वजह से वो 11 नवंबर 1866 को केशव चंद्र सेन जो होते हैं वो फॉर्म करते हैं इसको भारतीय ब्रह्म समाज को। Whereas earlier established ब्रह्मा समाज was known as आदि ब्रह्मा, और जो earlier established ब्रह्मा समाज था उसका नाम पड़ जाता आदि ब्रह्मा समाज और उसके हेड हो जाते हैं कौन? द्वारिकानाथ टैगोर। ऑल द और इस रिगार्डिंग यहाँ पर डिटेल्स दिया हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं वो फाउंडेड द आदि ब्रह्मा समाज। तो हमने देखा देवेंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो करेक्ट होगा। वो 1842 में ब्रह्म समाज को ज्वाइन करते हैं, फिर उसके बाद केशव चंद्र सेन ज्वाइन करते हैं, उनको आचार्य की उपाधि दी जाती है। फिर दोनों में जो डिफरेंस है केशव चंद्र सेन और
जो देवेंद्रनाथ टैगोर है उनके बीच में डिफरेंसेस होते हैं ओपिनियन का, उसकी वजह से जो केशव चंद्र सेन होते हैं वो अलग से अपना एक न्यू ब्रह्मा समाज का स्थापना करते हैं जिसको भारतीय ब्रह्मा समाज भी कहते हैं। उसके बाद जो ब्रह्मा समाज बची हुई थी, जो मेन ब्रह्मा समाज थी, उसका नाम आदि ब्रह्मा समाज हो जाते हैं और उसके लीडर जो हो जाते हैं वो किसके अंडरशिप में हो जाते हैं, वो द्वारिकानाथ टैगोर के, सॉरी देवेंद्रनाथ टैगोर के। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विच इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। तो फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म किसको कहते हैं, तो वो है राजा राम मोहन रॉय। इनमें से कोई भी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट नहीं होगा। उनको मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, फादर ऑफ बंगाल भी कहते हैं, रेनेसा बंगाल रेनेसा भी कहते हैं, एंड फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म भी कहते हैं। द ब्रह्मा समाज इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ब्रह्मा समाज किस प्रिंसिपल पे बेस्ड था, तो हमें पता है मोनोथेइज्म पे बेस्ड था ब्रह्मा समाज। आइडोलेट्री में भी आइडल वर्शिप में भी बिलीव नहीं करते थे, वो ह्यूमैनिटी को प्रोपोगेट करते थे विदाउट कंसिडरिंग रेस और कास्ट। ठीक है, 24th नंबर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट प्रोटेस्टेड बाय राजा राम मोहन रॉय। तो इनमें से क्या चीज है जो राजा राम मोहन रॉय के द्वारा प्रोटेस्ट नहीं किया गया था, तो चाइल्ड मैरिज को वो प्रोटेस्ट किए थे, सती सिस्टम को भी प्रोटेस्ट किए थे, आइडोलेट्री को भी प्रोटेस्ट किए, पर वेस्टर्न एजुकेशन को उन्होंने प्रोटेस्ट नहीं किया था। उनके अकॉर्डिंग देयर शुड बी बैलेंस बिटवीन वेस्टर्न एजुकेशन एंड इंडियन एजुकेशन। राजा राम मोहन रॉय इज एन आर्डेंट एडवोकेट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन थ्रू द मीडियम ऑफ इंग्लिश। ठीक है, इन अ लेटर डेटेड 11 दिसंबर 1820 लॉर्ड एमहर्स्ट ही रोट, वी नाउ फाउंड द दैट द गवर्नमेंट इज एस्टेब्लिशिंग अ संस्कृत स्कूल अंडर हिंदू पंडित टू इम्पार्ट नॉलेज एज ऑलरेडी करेंट इन इंडिया। दिस सेमिनरी कैन ओनली बी एक्सपेक्टेड टू लोअर द माइंड्स ऑफ फिजिकल डिस्टिंक्शन ऑफ लिटिल और नो प्रैक्टिकल यूज द सोसाइटी। द संस्कृत सिस्टम एजुकेशन वुड बी द बेस्ट कैलकुलेटेड टू कीप दिस कंट्री डार्कनेस। तो उनके अकॉर्डिंग क्या था ना, जो भी ब्रिटिशर्स थे उनके अकॉर्डिंग क्या था कि संस्कृत जो होता है ना उसको कोई यूज़ नहीं है, कोई फिजिकल यूज़ नहीं है, कोई यूज़ नहीं है, वो सिर्फ इस कंट्री को डार्कनेस की तरफ लेके जाएगा। बट एज द इम्प्रूवमेंट ऑफ ब्रिटिश नेटिव पॉपुलेशन इज द ऑब्जेक्ट ऑफ गवर्नमेंट, इट कंसिक्वेंटली प्रमोट अ मोर लिबरल एंड इनलाइटेड सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन एम्ब्रेसिंग मैथमेटिक्स, नेचुरल फिलोसफी, केमिस्ट्री एंड एनाटॉमी विद अदर यूजफुल साइंस एंड मे बी एकम्प्लिश्ड विद सम प्रपोज्ड बाई एम्प्लॉइंग अ फ्यू जेंटल मैन ऑफ टैलेंट एंड लर्निंग एजुकेटेड। और वो क्या करते थे, उन्होंने बोला कि यहाँ पर ज़रूरी है कुछ लर्नेड पर्सन के द्वारा कि साइंटिसिज्म, मैथमेटिक्स, इन सारी चीज़ों को बढ़ावा मिले। ठीक है, और इस और जो राजा राम मोहन रॉय थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया था अगेंस्ट आइडोलेट्री, चाइल्ड मैरिज एंड सती सिस्टम। 25th नंबर क्वेश्चन देते हुए, द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग ब्रह्मो समाज। तो इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, तो इट अपोज्ड आइडोलेट्री, ये सही है। इट डिनाइड द नीड फॉर प्रिस्टली क्लास फॉर इंटरप्रिटिंग द रिलीजियस टेक्स्ट, ये भी सही है। इट पॉपुलराइज द डॉक्ट्रिन दैट द वेदर्स आर इनफेलिएबल, ये गलत है, ये दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो करेक्ट होगा। ब्रह्म समाज जिसकी स्थापना 1828 में हुई थी उसका कुछ प्रिंसिपल्स है, और कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं, बिलीफ इन मोनोथिज्म एंड फ्री हिंदुस्तान फ्रॉम एविल्स, अपोजिंग आइडोलेट्री एंड डोमिनेंस ऑफ प्रीस्ट, इंप्रूविंग द सिचुएशन ऑफ वुमेन। स्वामी दयानंद सरस्वती पॉपुलराइज द डॉक्ट्रिन दैट वेदास आर इनफेलिबल। 26th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल रिफॉर्मर रॉन्गली अपोज ज्यूरी एक्ट ऑफ 1826, तो वो कौन थे, तो वो है राजा राम मोहन रॉय, जिन्होंने ज्यूरी एक्ट 1826 को स्ट्रांगली अपोज किया था। स्ट्रांगली अपोज किया था, और ये क्या था, 1826 द नेटिव हिंदूज एंड मुस्लिम कुड सीट एज ज्यूरर इन केस ऑफ ट्रायल्स ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम बट वेयर डिपार्ट फ्रॉम सिटिंग एज दोज इन केसेस व्हिच वेयर ऑफ क्रिश्चियंस। तो इसमें था ना कि जो भी इस एक्ट, जो भी हिंदू और मुस्लिम्स होंगे वो ज्यूरी के रूप में बैठे रहेंगे जब केसेस होगा अगेंस्ट हिंदू और मुस्लिम का, लेकिन उनको डिपार्ट कर दिया जाता था जब वो क्रिश्चियन के अगेंस्ट होगा। ऑन द अदर हैंड क्रिश्चियन हैड फुल राइट टू सीट एज ज्यूरर इन ट्रायल्स ऑफ हिंदू और, लेकिन अपोजिट था कि जो क्रिश्चियन थे उनको राइट थी हिंदू और मुस्लिम के ट्रायल्स में ज्यूरी के रूप में बैठा। राजा राम मोहन रॉय स्ट्रांगली अपोज दिस एक्ट एंड फ्लैग्रेंट इनजस्टिस कंटेंड अंडर द एक्ट, और इसका राजा राम मोहन रॉय ने स्ट्रांगली अपोज किया था। तो आज के लिए इतना ही रहने देते, नेक्स्ट क्लास में हम 27 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा, अच्छा लगे तो हमारे चैनल यूपीएससी पीसीएस फॉर्म को ज्वाइन कर सकते। थैंक यू सो मच, बाय।